तिब्बती बौद्ध धर्म ईश्वर की आराधना में ध्यान और चिंतन को बहुत महत्व देता है। इसलिए बौद्ध विहारों का निर्माण ऐसे दुर्गम स्थानों पर किया जाता था जो कि संसार की गहमा गहमी से दूर हों, ताकि भिक्षु एकांत में अपने ध्यान में लीन रह सकें। इस कॉन्शियस प्रयास के कारण कई बौद्ध विहार ऐसे स्थानों पर निर्मित हैं, जहां देखकर लगता है कि ये स्थल न सिर्फ ईश्वर की आराधना के लिए आइडियल है, परंतु जैसे उसके निवास के भी करीब है। कोहरे की चादर छेदकर हौले हौले उभरते तवांग विहार को देखकर इस बात पर यकीन भी होने लगता है, और विहार से उठते धर्म ग्रंथों के पाठ की आवाज वातावरण को और स्पिरिचुअल बना देती है। यकीनन तवांग विहार अरुणाचल प्रदेश की खूबसूरती के सर का ताज है। अरुणाचल प्रदेश भारत के उत्तर पूर्वी छोर पर बसा हुआ है। पश्चिम में भूटान, पूर्व में म्यांमार और उत्तर में चीन की सीमाओं से इसकी सीमाएं टकराती हैं। इसकी लाजवाब कुदरती खूबसूरती किसी भी यात्री के लिए जन्नत समान है। सदियों से सोए इस पहाड़ी प्रदेश में 20वीं सदी ने अपने कदम रख ही दिए हैं। अरुणाचल की राजधानी ईटानगर आज एक व्यस्त आधुनिक नगर है। कहा जाता है ईटानगर की शुरुआत ईटा किले से हुई, इसके अवशेष अब भी मौजूद हैं। ऐसी जोखिम भरी कठोर जमीन पर ऐसे मोहक शहर का बस पाना इस जगह के निवासियों की साहसी हिम्मतवर फितरत का सबूत है। दोनी पोलो फेथ पर चलने वाले इन निवासियों के सभी विधि विधान और अनुष्ठान सूरज और चांद पर ही आधारित हैं। लेकिन अरुणाचलियों ने बड़ी सहजता से अपनी परंपरा और विश्वास को आधुनिकता के सांचे में ढाल लिया है। अरुणाचल की यात्रा करने वाले मुसाफिरों की हर सुविधा का प्रबंध ईटानगर में है। इस प्रदेश के पास कितनी भिन्न विविधताओं का खजाना है, इसका अंदाजा यात्रियों को तवांग की यात्रा से मिल सकता है। असम अरुणाचल सीमा पर बसे एक छोटे से कस्बे भालुकपोंग से यहाँ के लिए चढ़ाई शुरू होती है। पहाड़ों का प्राकृतिक सौंदर्य और हर तरफ झूमती समृद्ध हरियाली आने वाली सुंदरता की झलक सी दे जाती है। रास्ते में पड़ता है टिपी, एक मनोहारी रमणीक ऑर्किडेरियम, जहाँ 500 से भी ज्यादा रेयर ऑर्किड्स की स्पीशीज देखी जा सकती है। तवांग की ओर अब रास्ता बड़ा जोखिम भरा है। समुद्र तल से 14,000 फीट ऊंचे खतरनाक सेला पास की चिकनी फिसलनी बर्फ से ढकी सड़कें तय करने में कलेजा मुंह को आने लगता है। किसी भी गाड़ी की चाल कछुए की गति से ज्यादा नहीं हो सकती। और फिर साक्षात शांग्रीला, तवांग विहार, ख्यालों की गहराइयों से सपने की तरह उठता हुआ, किसी भूली हुई दुनिया, किसी खोए हुए समय की अंतिम यादगार। सत्रहवीं सदी में बना ये गोम्पा किसी दिव्य शिल्पी ने पत्थर और लकड़ी से तराशा लगता है। अपने निर्माणकर्ताओं की विलक्षण प्रतिभा और अलौकिक लगन की ये मूक किंतु सशक्त साक्षी दे रहा है। सत्य और असत्य के अनंत अनादि युद्ध के चित्र इसके पत्थरों पर असीम मेहनत और कौशल से तराशे गए हैं। यहाँ की 15 फुट ऊंची विशालकाय तथागत की प्रतिमा को तिब्बत में तराशा गया था, लेकिन ये यहाँ कैसे प्रतिष्ठित की गई, इसका जवाब समय के धुंध में खो गया है। इस पवित्र विहार में बौद्ध धर्म से जुड़ी अनमोल वस्तुओं का मानो खजाना है, और साथ ही है एक संग्रहालय जिसमें एंशिएंट रिलीजियस टेक्स्ट सुरक्षित रखे गए हैं।
कैसी विडंबना है कि इस विहार का कालातीत सौंदर्य खुद काल के हाथों घायल हो रहा है। समय ने इस पर जो घाव किए हैं उन्हें रिपेयर करना अब नितांत आवश्यक है, लेकिन ये विहार अपने जख्मों के बावजूद भी अरुणाचल निवासियों पर निरंतर आशीर्वाद ही बरसा रहा है। इसकी शांति और सौम्य आत्मा का अरुणाचल प्रदेश के कण कण में वास है। अरुणाचल प्रदेश टूरिस्ट्स में तेजी से लोकप्रिय होता एक अनूठा डेस्टिनेशन, भरपूर हरियाली, फलता फूलता वन जीवन और ऑल पर्वेसिव शांति, शहरी जिंदगी की भीड़ भाड़ और नीरसता से थके यात्रियों के लिए ये जगह एक आइडियल गेटअवे के रूप में उभर रही है।